हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग जो है वो 1 ईयर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आरएस की प्रिपरेशन के लिए उसकी बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलते हैं कि 1 ईयर के अंदर तो वैकेंसी आ ही जाएगी, प्रीलिम्स से हो ही जाएगा, ये ऐसा तो हम अनुमान कर ही सकते हैं। तो 1 ईयर के लिए हमारी पूरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको लेकर के किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस किस तरीके से हमें टाइम को डिवाइड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी रहती है, मेंस की कितनी रहती है, कितनी वैकेंसीज आती है, इसके अलावा कितने लोग हैं वो प्रीलिम्स के बाद में क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए, यहाँ इस तरह की सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो आज के सेशन के अंदर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैंने हर चीज़ को यहाँ पर मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, कहाँ से वीडियोज़ देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करी है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी, सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा कोड है ठोलिया 10, जिसको यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी पर। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके लिए। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, यानी बहुत सारी लाइव क्लासेस होती है, अलग अलग एजुकेटर्स की होती है। और अभी देखोगे तो आपको ज्यादा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ज्यादातर वो एजुकेटर्स हैं जो किसी टाइम पे टॉप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर पढ़ाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन के अंदर पढ़ा रहे हैं। और क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का अनअकैडमी, तो यहीं पर होंगे ज्यादातर एजुकेटर्स। और लाइव टेस्ट यानी वीकली क्विज होती है आपके पास में, मेगा क्विज होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब जैसे पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया तो फिनिश होगा, देन हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट मंथ से मैं आर्ट एंड कल्चर जो है आपके वो इंडिया का वो स्टार्ट करूंगा, और जो मेंस के अंदर एंशियंट और मेडाइवल से जो क्वेश्चंस आते हैं 90% वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, यानी लिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि आप यदि ठोलिया 10 कोड यूज करके एनरोल करते हैं तो सारे एजुकेटर्स के आप क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। लेकिन इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करके रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद में आप 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए चार्जेस हैं 7000, 7000। बट यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ठोलिया 10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप 6300 के अंदर एनरोल कर पाएंगे। लेकिन यदि आप 2 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस हैं 8400, लेकिन रेफरल कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 7560 के अंदर आप एनरोल हो जाएंगे। 1 ईयर और 2 ईयर के चार्जेस में डिफरेंस देखोगे तो वो 1 मंथ के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 1 महीने का, आप 1 साल का ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2 ईयर के लिए करिएगा, क्योंकि इस जिस तरह की एग्जाम की नेचर है, जितना टाइम लगता है उस हिसाब से आपके लिए 2 ईयर के लिए होगा। इसमें प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। प्री के टेस्ट है, मेंस के टेस्ट है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है, कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है। 7560 के अंदर आपका एडमिशन हो रहा है, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसके लिए आपको कोई इश्यू आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8744035689 पर, मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। ये देखो मेरा कोर्स है पॉलिटी का, जो कि चल रहा है इस महीने, ये इसकी ज्यादातर चीजें खत्म हो जाएगी, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ से यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 तारीख के बाद में मैं आर्ट एंड कल्चर जो इंडिया का है उससे शुरुआत करूंगा, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से ज्वाइन कर सकते हैं ठोलिया 10 कोड यूज करके। अब देखो आज की जो स्ट्रेटेजी है उसकी सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोगों को सबसे पहले अपना गोल सेट करना चाहिए, यानी हमारा लक्ष्य, यानी हमारा टारगेट क्या है। यदि आपने बिना टारगेट या बिना लक्ष्य सेट करें, बिना गोल सेट करें यदि आपने चलने की शुरुआत करी, जब आपको मंजिल ही पता नहीं है, टारगेट ही नहीं पता है, तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे यह तो आप खुद ही जानते हैं, पता नहीं है कि कहाँ पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमें अर्जुन को जिस तरीके से मछली की आंख दिख रही थी, उसी तरीके से हमें अपना गोल दिखना चाहिए, यानी सबसे पहले उसे हम हमारे गोल को सेट करना चाहिए, तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप आरएस जो एग्जाम है, जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, उसी को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये आपके अंदर जो है, ये आपके दिमाग में एक बात पहले ठीक ढंग से, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिपरेशन के लिए आते हैं उनमें से 80% लोग हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन है वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं।
और सीरियस भी नहीं होते। कुछ है कि नहीं छोड़ते हैं तो सीरियस नहीं होते, मुश्किल से 20% लोग सीरियस होते हैं। उन 20% में भी किसी को मटेरियल नहीं पता है, किसी को सही गाइडेंस नहीं है, किसी ने आंसर राइटिंग नहीं करी है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन सारी चीजों को कर लेते हैं, वो पास हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखो तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, स्ट्रेटेजी किस तरीके से। तो देन फर्स्ट हो गया कि सेट द गोल कि मुझे IRS चाहिए, IRS बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा है कि डाउनलोड द सिलेबस। ये सबसे देखो गोल सेट करने के बाद में जो टारगेट है उसके लिए आपको हथियार निकालने, लेकिन हथियार किस प्रकार के चाहिए आपको, इसके लिए आपके सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सिलेबस, यानी सिलेबस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपके पास प्रीलिम्स का भी सिलेबस होना चाहिए, मेंस का भी होना चाहिए, ना केवल सॉफ्ट कॉपी के अंदर। सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ ये आपके पास हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए। और आपको एक बार हनुमान चालीसा की तरह इस सिलेबस को देखना चाहिए, दिन में एक बार जरूर देखना चाहिए। क्योंकि सिलेबस को बार बार देखोगे, रटने की जरूरत नहीं, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको कितना भी पता है, उसके बावजूद आपको सिलेबस को देखना चाहिए। कौन से टॉपिक प्रीलिम्स में, कौन से मेंस में है, उसी हिसाब से, क्योंकि सिलेबस बार बार देखोगे तो उसी हिसाब से हम करंट के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसी तरीके से न्यूज़पेपर में जो चीजें आएंगे आप उनको देखेंगे, उसी तरीके से आप राज्यसभा की डिबेट देखेंगे। तो आपके पास में सॉफ्ट कॉपी में भी होना चाहिए और हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए, यानी आपके फोन में भी होना चाहिए और हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए, ताकि हमने जब कोई टॉपिक कवर कर लिया तो एटलीस्ट वहां पर टिक कर दे कि हाँ हमें ये जो है चीज कवर हो गई है या यहाँ पर नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जब सिलेबस हो जाता है तो आपको, जैसे हार्ड कॉपी के अंदर आपने सिलेबस ले लिया, तो अब कोई भी सिलेबस है, सिलेबस का कोई भी पॉइंट है, जैसे किसी भी पॉइंट को आप लेकर के चल लो, जैसे मान लो कि राज्यपाल ही दिया हुआ है उसके अंदर, तो राज्यपाल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। तो आप एक कॉपी नोटबुक ले लो और जब करते जाओ तो आपको लास्ट तक ये चीजें होनी चाहिए कि राज्यपाल जो है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें राज्यपाल के अंतर्गत आती है। तो पॉइंट फॉर्म में उसको बाइफर्केट करना है, उन्हें इसको डिवाइड करना है अच्छे ढंग से, और देखना है कि मान लो कि राज्यपाल जो है उससे जुड़े हुए क्या क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्या प्रावधान है, या जैसे आपके पास ज्वालामुखी प्रक्रिया दी हुई है, वॉल्केनो दिया हुआ है, उससे जुड़ी हुई चीजें क्या है, या जैसे हमारे कृषि मेंशनड है इकोनॉमी के अंदर, तो कृषि के अंदर कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करना है, योजनाएं कौन कौन सी है कृषि के अंदर, जो है हमारा GDP में इसका रोल कितना है, कितने लोग इसमें काम में लगे हुए हैं, इस तरह की चीजें, वो अलग अलग डायमेंशंस होती है, उनको आपको देखना है कि मेरे को एक टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, सबसे पहले गोल सेट करना है, देन सिलेबस डाउनलोड करना है। प्री और मेंस का सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में भी होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में भी होना चाहिए। उसके अलावा फिर सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, कई बार आपको सिलेबस ही समझ में नहीं आता है। यदि आपने ठीक से सिलेबस समझ लिया तो आधा काम हो जाएगा आपका। तो ठीक से सिलेबस समझिए कि किस पॉइंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है और इसकी रेंज क्या तो होगी, कितना पढ़ूंगा मैं। कृषि का कोई लिमिट नहीं है, आप PhD कर लो भले एग्रीकल्चर पे, लेकिन RS के लिए कितना कृषि पढ़ना है। उद्योग की कोई लिमिट नहीं है, उद्योग की कोई लिमिट थोड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी एग्जाम के लिए उद्योग किस तरह के इंपॉर्टेंट है। और ये बात आपको समझ में कैसे आएगी, या तो आपके टीचर्स वगैरह से समझ में आएगी या आपके सीनियर से समझ में आएगी। दूसरा तरीका है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से समझ में आएगी। तो डाउनलोड प्रीवियस ईयर्स के पेपर, उसमें प्री के भी पेपर डाउनलोड करना है और मेंस के भी पेपर डाउनलोड करना है। एक बार आप प्री पास कर जाओगे फिर कभी प्री फेल नहीं होगे, एक बार मेंस पास कर जाओगे मोस्ट ऑफ टाइम्स मेंस पास हो जाओगे। एक बार आपको रास्ता पता चल जाता है, फिर आप जैसे मेंस दिया पास हो गए, उसके बाद 1 महीने भी आपको टाइम मिलेगा ना तो आप मेंस पास हो जाओगे। प्री एक बार पास हो गए, उसके बाद 20 दिन का भी आपको टाइम मिलेगा, हर बार प्री पास कर जाओगे। ये क्योंकि एक तरीका है उसका, एक स्ट्रेटेजी है, वो आपको पता चलनी चाहिए। मेहनत करने के बावजूद भी आदमी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी आदमी पास हो सकता है, तो उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यहाँ पर गधों की तरह परेशान नहीं होना है, स्मार्ट स्टडी करो। और आपको कौन सा, यहाँ पर आपको PhD करना है, कम समय के अंदर अपना सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको 2013 इससे पहले का मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो 2013, 2016 एंड 2018 के प्रीलिम्स के पेपर। अब ये देखो उसके अंदर जैसे 2013 का 2 बार पेपर हुआ है, या कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों के लिए स्पेशल एग्जाम होता है, स्पेशल का मतलब है कि किसी कारण से नहीं हो पाया या कोर्ट की वजह से बाद में कुछ लोगों को परमिशन मिली, तो इस तरह के भी होते हैं। तो आपको 4-5 पेपर प्रीलिम्स के लिए मिल जाएंगे, या इसी तरीके से आपको मेंस के लिए भी 4-5 पेपर मिल जाएंगे। तो
तो 13 के पेपर डाउनलोड करने हैं, 16 के करने हैं, 18 के करने हैं, और ये इसके अंदर कोई स्पेशल वगैरह एग्जाम हो रखा हो तो उनके पेपर भी आपको डाउनलोड करने हैं। और आपको देखना है कि मेरे को जैसे कृषि से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो मुझे कौन सी रेंज रखनी पड़ेगी। इससे मैं नहीं कह रहा हूँ कि पेपर से सारा ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 3-4 साल के पेपर से पूरे सिलेबस के बारे में तो आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन काफी हद तक आपको चीजें समझ आएगी कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। काफी हद तक चीजें आपको समझ आने लगेगी। तो पेपर को डाउनलोड करना है, बहुत स्टडी करना है और देखना है कि कौन से सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी के बताने से नहीं, बल्कि आपको खुद जानना है उन चीजों को। बताऊंगा मैं भी कि पॉलिटिक्स से कितने आते हैं, इकोनॉमी से कितने आते हैं, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेंस के अंदर कितने पेपर होते हैं मेरे पास में, कौन कौन से सेक्शन है, लो है कि बिहेवियर है कि योगा है कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, और वो कितने मार्क्स के आते हैं। ये चीजें भी आपको अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। दूसरी स्टेप आपके पास ये है। फिर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग मतलब जैसे 1 ईयर की कर रहे हो आप, 2 ईयर की कर रहे हो, 6 मंथ की कर रहे हो, तो आज अपन जो डिस्कशन है वो 1 ईयर की प्लानिंग में है। 1 ईयर का मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें किस तरीके से कवर करनी है। तो ये तो टारगेट सेट कर लो कि 1 साल के अंदर मेरे को प्री का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, वो मेंस का। अब कोई 2 ईयर का भी बना सकता है, कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसकी 2 ईयर की प्लानिंग हो सकती है, किसी की 3 ईयर्स की होती है, डिपेंड करती है। मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ कि 1 ईयर के, तो वहां पर मेंस जो है प्री और मेंस का सिलेबस 100% मेरे को कवर करना है। तो पहले तो ये दिमाग में बिठा लो कि 1 साल में मुझे हर हाल में ये चीजें एकदम कवर करनी है। अब सवाल है कि सर कैसे कवर होंगी, क्या तरीका है उसका कवर होने का। तो मेरे पास स्टडी मटेरियल के लिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो देखो, एक तो आपके पास में स्टडी मटेरियल में आज के टाइम में 3 चीजें हैं, एक तो बुक्स है, एक नोट्स है, और एक आपके पास में वीडियोस है। 3 चीजों से आप अपनी स्टडी कर सकते हो। अब देखो, ऑफलाइन कोचिंग का तो उस तरह का कोई रोल है नहीं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग अभी आपके पास में लॉकडाउन वगैरह भी लंबे टाइम के बाद में खुलेंगे, कोरोना है, ये लफड़ा है, घर वाले जाने नहीं दिए। फिर भी जितना ऑफलाइन क्लासेस में टाइम खराब होता है कि जैसे 4 घंटे एक अपने, मान लो 3 घंटे आपने क्लास ली, उसमें से आपको 1-1.5 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिलती है, आने जाने में टाइम लगता है, ये सब चीजें जो है ऑनलाइन में बच जाती है। तो आप वीडियोस के माध्यम से हेल्प जो है स्टडी कर सकते हैं। बुक्स कौन सी लेनी है, तो देखो मैं कह रहा हूं कि बुक्स आपके पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जिसमें राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है, राजस्थान सामान्य अध्ययन, उसकी मैं बात करता हूं, और मैं पढ़ा भी रहा हूं, और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरे को जितना समझ आया है वो ये है कि पूछने वाले 1 लाख है कि सर क्या पढ़ना है, और उसमें से करने वाले 100 भी नहीं मिलेंगे। यानी 1 लाख लोग पूछेंगे सर मुझे कैसे करना चाहिए, आप 1 लाख लोगों को बता दो, करने वाले उसमें से 100 होते हैं। आप यदि उन 100 में आ गए ना तो काम हो जाएगा। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है राजस्थान सामान्य अध्ययन की, वो आपको पढ़नी है, 9th की पढ़नी है, 10th की पढ़नी है, 11th की पढ़नी है, और 12th की, और आपके जो RS के टॉपिक है उस हिसाब से करवा रहा हूँ मैं आपको। जैसे 1857 की क्रांति हो गया, या जैसे आपके पास में प्रजामंडल हो गया, या जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक है, जैसे मैंने हस्तशिल्प करवाया आपको, और टेराकोटा वाला क्वेश्चन जो है RS मेंस में 5 नंबर का आया था, यहाँ से आया था। ज्यादातर क्वेश्चन आपके राजस्थान सामान्य अध्ययन की बुक से आ जाते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th की, तो इनको तो हर हालत में पढ़ना ही है। इसके अलावा जैसे NCERT की बुक्स भी आपको कुछ पढ़नी है, वो मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ, जो जरूरी किताबें वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सम ऑथेंटिक बुक्स ये रेफरेंस के लिए होती है कि भाई जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें क्लैरिटी नहीं आई है, या आपने कोई टेस्ट दिया है आपको समझ नहीं आ रही है बातें, कोई नोट्स पढ़ रहे हो आप उसमें समझ नहीं आ रही है, तो आपके पास रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स होनी चाहिए जो कि बहुत पॉपुलर है, मार्केट में अवेलेबल है, कोई बात नहीं है। लक्ष्मीकांत हो गया, बाकी चीजें भी वर्णवाल हो गई, तो सबको पता है कि कौन सी है, लेकिन उनको एक लाइन से पढ़ना शुरू मत करना, मेरा ये आपको एक तरीके से कहना है। अब देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जैसे 9th, 10th, 11th, 12th इन बुक्स को पढ़ना है, इनके नोट्स जो है वो बना सकते हो आप, वैसे ये नोट्स की फॉर्म में ही है, सारी चीज़ें इनके अंदर फैक्चुअली ही दी गई है, तो यहाँ पर ज़्यादा नोट्स बनाने का केस भी नहीं है, लेकिन बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT कौन कौन सी पढ़ें सर हम लोग, तो आपको ज्योग्राफी की NCERT पढ़नी है, साइंस की NCERT पढ़नी है, और हिस्ट्री की NCERT पढ़नी है। सर कौन सी क्लासेस की पढ़नी है, तो देखो ज्योग्राफी भी 6th to 12th, तो यहाँ पर आप साइंस में 6th to 10 कर लीजिए, हिस्ट्री में 6th to 12, लेकिन ना तो ज्योग्राफी के अंदर 6th to 12 सारी बुक्स पढ़नी है जैसे प्रायोगिक वाली है, या जैसे ऐसे टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो 6th to 12 जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो
उसमें सिलेबस के हिसाब से करना है, सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक आपके सिलेबस में है 6 से 12 तक सिर्फ वही पढ़ना है। चाहे साइंस की है तो 6 से 10 आप पढ़ रहे हो, 6 से 12 या 10 पढ़ रहे हो, कुछ आपको 12th वाली बुक्स में से पढ़ना पड़ेगा, जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन है, कुछ ऐसी चीजें है वो पढ़नी पड़ेगी। तो 11th 12th में भी कुछ कुछ टॉपिक है वो पढ़ने हैं, सिलेक्टिव है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। और आपके पास ना 6 से 10th के सारे पढ़ने हैं, और हिस्ट्री जो है उसमें भी 6 से 12th, लेकिन सिलेक्टिव टॉपिक। जैसे आपके पास में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एंशियंट और मिडाइवल का सिर्फ आप कल्चर कर लो, आर्ट एंड कल्चर कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सर, प्लानिंग कैसे करें, तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। अब सर देखो, प्लानिंग किस तरीके से करें, क्या है प्लानिंग करने का, एक चीज जैसे बुक्स बता दी थी मैंने। अब देखो आपके पास में नोट्स है, सर नोट्स कहाँ से लें, नोट्स जैसे आपके पास में अनअकैडमी जो है उसके पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पे लोग डालते हैं ज्यादातर, तो आप उनके पीडीएफ यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट होता है। एटलीस्ट मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान देकर के कंटेंट लाता हूँ, और उसके अंदर ये रहता है कि बच्चे की सारी चीजें कवर हो और उसके बाद में उसके बच्चे को पढ़ना नहीं पड़े कुछ भी, इस तरह की कोशिश मेरी रहती है कि 3 4 बुक्स वगैरह में से मटेरियल इकट्ठा करा, चीजों को इकट्ठा करा, उसके बाद में लाके देता। तो आप एक बुक पढ़ते हो, मैं 3 4 बुक को इकट्ठा करके आपको मटेरियल देता, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। तो आप पे ले सकते हैं, जो जिन्होंने प्लस ज्वाइन कर रखा है या जो प्लस ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो तुरंत जो आपके पास क्लास के बाद में वहां पर ऑप्शन आता है कि आप डाउनलोड कर सकते हो विद चेंजेस, जैसे आपने कुछ लिखा है, टीचर ने कुछ लिखा है, वो भी साथ में आप डाउनलोड कर सकते हो, या जैसे आपको बिना इनके चेंजेस के जो पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है जो कि रिटर्न फॉर्म में है, सिर्फ वो अवेलेबल वो चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाता है, तो वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपके पास में वीडियोस है वो अनअकैडमी पर, अब आपके पास में राजस्थान चैनल के ऊपर, प्लस के ऊपर भी, और एक तरीके से देखा जाए तो यूट्यूब पे भी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। और मैं कह रहा हूँ कि जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनमें जिनको मैं जान रहा हूँ मैक्सिमम लोग हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को कवर कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो और वो प्लस के ऊपर भी पढ़ा रहे हैं। तो अब ये भी 7500 टाइप की फीस है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं किसी का भी कोड जिसको आपको ठीक लगे, मेरा कोड यूज ठीक लगे तो आप मेरा यूज करिए, उनका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और बहुत ही अच्छा प्लस पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लस पे सिर्फ ये फायदा है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो जाता है, बाकी आप जो है यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा भटकाव है कि यूट्यूब पे चीजें पूरी नहीं होती है, कई बार कंप्लीट नहीं होती है, किसी सेक्शन में कम व्यूज आ रहा है छोड़ दिया चले गए, लेकिन प्लस पे ये कि पूरा कोर्स कंप्लीशन होता है, तो ये डिफरेंस होता है। बाकी तो टीचर अपना हर जगह पूरा देने की कोशिश करता ही है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सर प्लानिंग किस तरीके से करें हम लोग, तो आप पर डे के हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हो, वीकली कर्म क्या सकते हो करना ही है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया टाइम मैनेजमेंट पे, नहीं देखा है तो देखिएगा। पर डे की प्लानिंग है, वीकली प्लानिंग है, मंथली प्लानिंग है, ईयरली प्लानिंग है, ये इस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। पहले भी मैंने डिस्कस किया है, जैसे पर डे कैसे पढ़े सर हम लोग, सर एक सब्जेक्ट पढ़े, दो सब्जेक्ट पढ़े, कितने पढ़े, मेरे को ऐसे सैकड़ों मैसेज मिलते हैं। तो देखो पर डे आप पे दो सब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे हिस्ट्री रख लिया, ज्योग्राफी रख लिया, हिस्ट्री रख लिया, पॉलिटी रख लिया, इसके साथ में हिंदी इंग्लिश जरूर रखिएगा। मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन है इसको जरूर रखना है आपको। सर क्यों, इसलिए ये जो सेक्शन है ये लास्ट में तैयार नहीं होता, जैसे शब्द युग में पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लोकोक्ति मुहावरे हैं, शब्द शुद्धि है, ये सारी चीजें 10 10 10 10 10 करके प्रिपेयर कर लो, डेली करो। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर है वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम है, एंटोनिम है, रस्तों की ले रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पर डे के हिसाब से, मैं भी बच्चों को जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं वीकली टास्क देता हूं, लेकिन उसमें यह कि पर डे आपको 10 10 10 10 करना है, फिर संडे को शाम को 8 बजे जो है वो रिटन टेस्ट ले लेता हूं मैं, तो उसमें जो किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ, तो सबके ऊपर प्रेशर रहता है कि पर डे हिंदी इंग्लिश भी करनी है और आंसर राइटिंग भी करनी है, क्योंकि वीकली उसके आधार पर टेस्ट रखता हूं मैं, संडे टू संडे टेस्ट रहता है। तो उस हिसाब से आप भी अपने स्तर पर भी कर सकते हो, या कोई आपके पास टीचर है या मैं ही हूं तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो। तो वीकली है, जैसे वीकली भी प्लान होना चाहिए आपके पास। मैंने पहले भी बताया कि 4 दिन आपको फ्रेश स्टडी करनी है, 2 दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है जितना भी आपने पढ़ा है, और आपको बाकी 1 दिन आपको अपने रिलैक्स के लिए रखना है। अब इसको फ्रेश स्टडी को किस तरीके से बांटा सर आपने, वो मैंने एक वीडियो बनाया, आप अच्छे से देखिएगा उसको, लेकिन इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए।
मंथली में एक ध्यान रखना है कि कम से कम कोशिश करना कि जितने भी यूनिट है उसमें से कम एक यूनिट या एक सेक्शन एटलीस्ट प्रिपेयर हो, नहीं तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाए। बहुत सारी यूनिट है इसके अंदर, तो कम से कम एक यूनिट या एक सेक्शन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो आपने एटलीस्ट कंप्लीट कराया है 1 मंथ में, ये तो टारगेट होना ही चाहिए। इतना तो रखिए ताकि आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ सिलेबस का कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार इस चीज पे फोकस करता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिंदगी भर पॉलिटी पढ़ते रहेंगे ना, उनको पता ही नहीं है कि हमारे सिलेबस के अंदर लॉ भी है, बिहेवियर भी है, योगा भी है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी है, आपके पास सोशियोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है। सिर्फ हमेशा या तो हिस्ट्री पढ़ने लगे तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, सर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने लगेंगे, एथिक्स पढ़ रहे हैं एथिक्स पे तो जाते नहीं है लोग, वो तो मैंने देखा है। और या फिर जैसे ईयरली है तो उसका तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, फिनिश करना है आपको कंप्लीट सिलेबस प्री और मेंस का। मंथली एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, वीकली आपको इस तरीके से टारगेट रखना है। उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो किस सब्जेक्ट के लिए, ये भी आपको मैंने वीडियो बना करके बताया, तो वहां देखिएगा। अब सर उसके 1 साल बाद हम क्या करें, तो 1 साल बाद और उस टाइम में भी बीच में भी सर टेस्ट देना जरूरी है क्या, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कुछ लोग। बिल्कुल जरूरी है, 100% जरूरी है। सर कैसे दें, वीकली भी दे सकते हो, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो और फुल लेंथ भी टेस्ट दे सकते हो। सर टॉपिक वाइज कैसे, टॉपिक वाइज जैसे वीकली, वीकली में जैसे मैं क्या करता हूं उसी तरीके से आप दे सकते हो कि जैसे इस वीक के अंदर जितना सिलेबस होगा वो इसके साथ ही इस वीक में क्या पहले के भी जितना, देखो जैसे इस वीक के अंदर मैं टेस्ट ले रहा हूं संडे को, तो मैं पर्सनली जैसे करता हूं कि लास्ट वीक में भी जो टेस्ट में आया था वो आएगा, उससे लास्ट वीक में भी जो टेस्ट में आया था वो कभी जाएगा नहीं, वो हमेशा आपके टेस्ट में रहेगा, क्योंकि फिर आप पीछे वाले को भूलोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो एक तो वीक में जितना हो गया वो, या एक जैसे मैंने सेक्शन दे दिया, जैसे मैं अभी करवा चुका हूँ एनवायरमेंट इकोलॉजी करवा कंप्लीट हो गया है बच्चों का, कल्चर में पूरा करवा चुका हूँ, टेस्ट ले चुका हूँ उसका, इसके अलावा जैसे आपके राजस्थान ज्योग्राफी का मैं टेस्ट ले चुका हूँ, कवर हो चुकी है उनकी, पॉलिटी ऑलमोस्ट कवरेज पे है, हिंदी इंग्लिश जैसे हिंदी वाला पोर्शन है 30-40% कवर हो गया है, तो पिछले 1.5 महीने के अंदर मैंने इतनी चीजें करवाई है। तो आप देख लीजिए कि कंप्लीट करवाना और टेस्ट ले लेना, तो 1.5 महीने में इतनी चीजें हो गई तो 12 महीने में हो सकती है। एक वीक का टारगेट दे दिया, राजस्थान ज्योग्राफी इतनी करनी है, बच्चा मजबूरी में करता है, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक भी बीच में क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर अब हमें क्या करना है, उनके पास टारगेट है, भटकाव है ही नहीं। हाँ वो जॉब वाले हैं तो बात मान लेते हैं, फ्रेशर थोड़ा मुश्किल से मानता है, तो उनके भटकाव ही नहीं है, उनको लगता है कि सर ने कर दिया, संडे को मीटिंग हो गई या मंडे को हो गई जब भी मेरे को टाइम मिला। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन बच्चों के साथ मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। तो टॉपिक वाइज कर सकते हैं या फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ का मतलब जैसे पॉलिटी खत्म हो गया अब पॉलिटी का टेस्ट फुल लेंथ होना चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ भी जैसे पॉलिटी प्लस पे खत्म हो गया तो मैं उनके फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा, अब जब भी कराऊंगा 15 दिन से 20 दिन से 7 दिन से पॉलिटी के फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा, बाकी जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं वो चल रहे हैं। तो आप भी फुल लेंथ टेस्ट है इस तरीके से दे सकते हो आफ्टर कंप्लीशन वन सब्जेक्ट, कंप्लीट होने के बाद। समवन शुड बी देयर फॉर पर्सनल गाइडेंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम रोल इसी का रहेगा क्योंकि आज ए नॉलेज बहुत अवेलेबल है, लेकिन आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी चीजें पढ़नी है, ये आपको कम से कम हर टाइम आपको बताने वाला होना चाहिए। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके साथ इसलिए दिक्कत नहीं है कि मैं आपको उनको वीकली बता ही देता हूँ, टास्क दे देता हूँ कि यहाँ से करना है, ये नोट्स करने हैं, ये वीडियोज करने हैं और ये टेस्ट देना है, तो भटकाव है ही नहीं। तो आपके साथ भी ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो आपको पर्सनली गाइड कर सके, पर्सनली गाइड कर सके, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको करनी चाहिए। अब देखो यानी जो आरएस की प्रिपरेशन है वो लाइक दिस ऐसे होनी चाहिए आपकी, इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए सीधी एकदम, अच्छा मैंने ऐसे कर दिया क्या, सीधी इस तरीके से आपकी होनी चाहिए, ताकि ना कि इस तरीके से जिग जैग नहीं होना चाहिए। सिलेबस एंड प्रिपरेशन जो है वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, साल के साथ इस तरीके से, यदि इस तरीके से होगी तो देखो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा और एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, लेकिन यदि इस तरीके से हुई तो आप बहुत मुश्किल से कभी यहाँ पहुंचे, फिर नीचे आ गए, फिर कभी ऐसे हुए, कभी भी आप जो अपना टारगेट है जो यहाँ पर है वहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचोगे। इसलिए स्ट्रेट होना चाहिए, इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है,
इसके लिए आपको मटेरियल की जरूरत है, इसके लिए प्रॉपर नोट्स की जरूरत है, हर चीज एकदम प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए और टाइम एक एक सेकंड्स का आपको बेहतरीन तरीके से यूज होना चाहिए। उसमें सिलेबस का भी इंपॉर्टेंस है, उसमें टेस्ट का भी इंपॉर्टेंस है, उसमें राइटिंग स्किल का भी इंपॉर्टेंस है, उसमें हर चीज का इंपॉर्टेंस है। ये आपको बात देने रहना है। इन सब चीजों को ध्यान देते हुए, टेस्ट को ध्यान देते हुए, सिलेबस को कवरेज को ध्यान देते हुए, मटेरियल को ध्यान में देते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में देकर के आपको गोल को अचीव करना है। आप लाइफ टाइम ये चीजें करने के लिए नहीं आए हैं, ये बात ध्यान देना है। और आपको इस तरह की कंडीशन नहीं करनी है कि पढ़ते पढ़ते, क्योंकि पंचवर्षीय योजना पहले से भी आ रहे, 5 साल में वैकेंसी आती, 5 साल में वैकेंसी पूरी होती है। अब देखो 2012 के बाद में 2013-16 दो ही वैकेंसी पूरी हुई है, 20 आ गया। तो पंचवर्षीय योजना है, 2-3 वैकेंसी निकली ना तो ये हालत हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि इस हालत में मत पहुंचिएगा प्लीज। आप उससे पहले ही यदि जिगजैग आपने मोशन करा इस तरीके से, तो आप इसी कंडीशन में पहुंचने वाले हैं। इस कंडीशन में आपको नहीं पहुंचना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो मैंने कुछ बाइफर्केशन किया है, उनको अपन देखते हैं। जैसे प्रीलिम्स में 2013 में कहां से कितने क्वेश्चन आए, 2016 में कितने क्वेश्चन आए, 2018 में कहां से क्वेश्चन आए, ये चीजें आपको भी बहुत अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। क्योंकि जब पता होगी तभी आप उस सेक्शन को फोकस करोगे। जैसे राजस्थान के सामान्य ज्ञान है तो 30 से 32 क्वेश्चन 2013 में सीधे सीधे यहां से थे, 2016 में 35 से 37 क्वेश्चन थे, 42-46 क्वेश्चन 2018 में थे। और इनका एक फिक्स एरिया होता है, हर टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, समझोगे तो कि यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, या आपको कोई गाइड करे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो प्री के पहले की बातें होती है सारी, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप भी ठीक ठाक स्कोर यहाँ से राजस्थान सामान्य अध्ययन से कर सकते हो। ऐसे जैसे भूगोल है, ज्यादातर क्वेश्चन मैपिंग वाले सेक्शन से आते हैं। मैपिंग में भी स्पेशल टाइप के, जैसे उद्योग वाले से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, या जैसे पर्वत वाले से आते हैं, झील है, नदियां हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो 2013 में 12-13 क्वेश्चन आए, 16 के अंदर 7-8 क्वेश्चन आए, फिर 18 के अंदर 14-15 क्वेश्चन आए। तो वेरिएशन हो सकता है। अब इसको एनसीईआरटी वगैरह से आप चीजें कवर करो और एक ठीक ठाक, जैसे आपको जो आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा आपको अनअकैडमी से, वो ले लीजिएगा, मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आनी नहीं है। मैक्सिमम चीजें ज्योग्राफी में आप कवर कर लोगे। ऐसे हिस्ट्री है, इतिहास है, मैं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करो, मॉडर्न अच्छे से कर लो, और आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कर लो। मैं कह रहा हूँ प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे, और मेंस में तो आर्ट एंड कल्चर ही आता है, मिडाइवल और एंशियंट से, तो फालतू में बाकी चीजों पर दिमाग लगाना ही नहीं है। तो 10-11 क्वेश्चन यहाँ पर आया, 10-11 क्वेश्चन 16 में आए, 14-15 क्वेश्चन 18 में आए, तो मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न में भी आपको 1857 की क्रांति है ना, उसके बाद की चीजें कवर करनी चाहिए, मेन्स के लिए भी और प्री के लिए भी। मॉडर्न में भी प्री और मेंस दोनों में आप ज्यादातर देखिएगा 1857 के बाद में, गांधी जी का काल हो गया, या जैसे अधिनियम हो गया, 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का है, नेहरू रिपोर्ट है, ये सारी चीजें उनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि किन एरिया से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ऐसे इकोनॉमी होता है, ये तो पूरी तरीके से इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन ये पूरी तरीके से इसके जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से आ जाते हैं। मेंस में जो है आपको इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्री के लिए आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। मेंस के लिए आपको राजस्थान और इंडिया का दोनों का, और करंट में जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की है, राजस्थान सरकार की है, वो योजनाएं जो है, वैसे इकोनॉमिक सर्वे में योजनाएं दी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं दी होती, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी कोई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डिस्कस नहीं की हुई है तो, लेकिन बहुत पॉपुलर होती है एक तरीके से, हर तरह की योजना ही नहीं। इसी तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देखोगे तो 20-22 क्वेश्चन 2013 में रहे, 22-23 क्वेश्चन 2016 में रहे, और 16-17 क्वेश्चंस है ये आपके पास में 2018 के अंदर रहे। पॉलिटी वाला सेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन परेशान सबको करता है ऐसा समझिए, जबकि पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट होने के बावजूद इस तरह के आर्टिकल कई बार पूछ लेते हैं कि जिनको प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आपके लिए एक तरीके से देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, साइंस के क्वेश्चंस कम आते हैं, टेक के ज़्यादा आते हैं, और साइंस टेक को प्रिपेयर करना बहुत आसान है। और आपको मैंने शायद अवेलेबल भी कराया है टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे वीडियोस लगभग इस पे बने हुए हैं और वो फ्री में ही अवेलेबल है। आप कहिएगा मेरे को व्हाट्सएप पे, मैं लगभग लोगों को भेज दिए थे, तो आपको इसका मटेरियल भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है,
और आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर 19-20 क्वेश्चन है, लगभग 18-20 क्वेश्चन ही है, 12-13 क्वेश्चन 2018 के अंदर आए थे। मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन है, यहाँ से अच्छे खासन 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यदि आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो रीजनिंग वाला सेक्शन प्रिपेयर कर लो, काम हो जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। करंट के क्वेश्चन है, सीधे सीधे 20-30 क्वेश्चन है, 20-25 पूछते हैं। तो करंट के लिए मैंने जो है अलग से कल ही वीडियो बनाया था, तो आप देखिए कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है, इसका पूरा 20-25 मिनट का मेरा वीडियो है, अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सारी चीजों को कवर करते हुए बनाया है। अब देखो मेंस के में भी आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री जो है सेक्शन है वहां से 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आप 2013 का पेपर देखो, इसमें 2016 का पेपर देखो मेंस के लिए, 2018 का पेपर देखो आप, और किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं कह रहा हूँ ज्यादातर आपको आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से मिल जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से मिल जाएंगे। तो अपन 1 तारीख से जो है, 1-2 तारीख से स्टार्ट करेंगे ये सेक्शन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके। और आपके पास में इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आपके पास 65 मार्क्स जो है के क्वेश्चन आते हैं, और ये आपके पास इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे और भारत सरकार और राज्य सरकार की इकोनॉमिक योजनाएं जो है, जितनी भी चीजें, ये पूरा का पूरा पेपर करंट है और इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे बेस्ड होता है, और बाकी चीजें इसमें ज्यादा कुछ करनी नहीं होती। मैक्सिमम 90% पेपर कवर हो जाता है, 80-90% चीजें यहां से कवर हो जाती है। ये आपके पास में सोशियोलॉजी वाला, मैनेजमेंट वाला और अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाला सेक्शन है, ये बहुत आसानी से प्रिपेयर होता है, इसको आप बहुत ढंग से कर सकते हो, और 60 में से 40-45 नंबर भी इसमें आराम से ला सकते हो। तो ये आपको देखना है कि कहां से प्रिपेयर करना है, ये आप यदि नोट्स वगैरह से भी प्रिपेयर करते हो तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, इसके लिए आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। क्लास नोट्स वगैरह हमारा ले लीजिएगा, उससे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग वगैरह नहीं करोगे तो भी ये मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप नोट्स ले लीजिएगा, तब भी काम चल जाएगा। सेकेंड पेपर है आपके पास में, तो इसमें जैसे आपके पास में एथिक्स वाला सेक्शन है, इसमें जैसे मैंने 4-5 वीडियोज बनाए तो उसमें मैंने बहुत सॉलिड मटेरियल दिया है, आप देखिएगा मटेरियल की क्वालिटी, आप समझिएगा, पूरे मार्केट में घूमिएगा, उसके बाद में यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। अब ये है कि यूट्यूब पे इसलिए सारे नहीं डालते हैं कि वो नंबर ऑफ जो देखने वाले होते हैं वो एथिक्स के प्रति आकर्षण ही नहीं है उनका, उसमें ज्यादातर हिस्ट्री के प्रति है, ज्योग्राफी के प्रति है, जो चीजें पता है उसी के प्रति है। एथिक्स मैंने एक दिन पढ़ा रहा था, मैंने देखा तो देखा कि पूछ रहे हैं कि सर ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो फिर मैंने कहा छोड़ो ये जब पता ही नहीं है इनको। और आप देखिएगा कभी डालिएगा एथिक्स फॉर आरएस, मेरे ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर एथिक्स में किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं, ऐसा नहीं है कि एथिक्स जानते नहीं है लोग, उनको पता है कि लोग पढ़ने वाले कम है, तो इस तरह की जो चीजें होती है लोग पढ़ते ही नहीं है, तो जब पढ़ोगे आप लोग या व्यूज आएंगे तभी बनाते हैं ना, ऐसे तो कोई एनर्जी खर्च करेगा नहीं, तो ये सबसे बड़े चैलेंज है। और ऐसे पोर्शन है ये, सोशियोलॉजी हो गए, एथिक्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, बहुत नंबर ला सकते हो, और 50% से ज्यादा चीजें आराम से कवर कर लो। हिंदी इंग्लिश हो गए, पूरी जिंदगी क्यों हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में खपा रखे हुए आपने, बाकी चीजें ठीक से प्रिपेयर करो, इकोनॉमी हिंदी इंग्लिश और बाकी सेक्शन प्रिपेयर कर लो, 70% तैयार हो जाएगा, और जितना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में टाइम लगेगा उसका उतना ही से कम टाइम में ये चीजें प्रिपेयर हो जाएगी, 70% चीजें प्रिपेयर हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी से काम करना है बहुत ढंग से, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास में सेकंड यूनिट है, जिसमें आपके पास में साइंस वाला, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, साइंस के लिए तो हर हालत में पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन उसके बिना बनेंगे नहीं। और ये आपके पास में कौन सा सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी वाला, इसके लिए आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, बहुत इस तरह का सेक्शन आता है जो परेशान करने वाला नहीं है। क्लासेस के बाद में नोट्स वगैरह लीजिएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास नोट्स ले लीजिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। थर्ड पेपर है और एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, बस दो चीजें कर लीजिएगा, सफिशियंट है। थर्ड पेपर जो है आपके पास में वो फर्स्ट यूनिट है, आप पढ़ना चाहें तो वर्णवाल भी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नोट्स का इसलिए बोलता हूं कि मैं वर्णवाल की एक एक चीज उसके अंदर डालूंगा, सविंदर सिंह की एक एक चीज उसके अंदर डालूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नोट्सों से कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, वर्णवाल और सविंदर सिंह में जितनी चीजें होंगी ना खुलर वगैरह को मिला करके, उसमें से एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं नोट्स के अंदर, तो फिर कहां से आएगी। यदि वर्णवाल में से आएगी तो भी नोट्स में से आएगी, खुलर में से आएगी तो भी नोट्स में से आएगी, सविंदर सिंह में से आएगी तो भी नोट्स में से आएगी, तो आप तीन बुक तो पढ़ोगे नहीं, आपके हो सकता है कि वर्णवाल में से आए नहीं आए लेकिन नोट्स में से आ जाए, क्यों, क्योंकि तीन बुकों का मटेरियल उसके अंदर होगा, उस नोट्स में होगा, और तीन से भी ज्यादा होगा, हमारा एक्सपीरियंस भी तो होगा उसके अंदर, तो वो चीज, इस कारण से मैं नोट्सों का बोलता हूँ। नोट्स ये नहीं है कि किसी भी तरह के नोट्स, ये मतलब नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे नोट्सों से आएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शविंदर सिंह, खुल्लर और वर्णवाल में से यदि आएंगे तो नोट्सों में से आएंगे, क्योंकि तीनों को उसमें डाल दिया गया है, समझ रहे हो ना, आपको डीडी बसु, सुभाष कश्यप और लक्ष्मीकांत में से आएगा तो नोट्सों में से आएगा, क्योंकि तीनों चीजों को उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मैं इसलिए कहता हूँ नोट्सों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी आपने मार्केट में गए कोई भी नोट्स मिल गया बस पढ़ लिया 10 पेज का, मेरा ये मतलब नहीं है, पूरा
पूरी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, 3 बुकों से आप छांट के रखोगे उतना मैं आपको छांट करके दे रहा हूँ, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद। सेकंड यूनिट आपके पास में है, ये आपके पास में थर्ड पेपर की ये वाला, ये आपके पास पॉलिटी वाला सेक्शन है और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, आईआर वाला सेक्शन है। इसमें थोड़ा सा पॉलिटी में आपको वर्डिंग वगैरह का ध्यान रखना है, प्रीएम्बल वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वाला सेक्शन है पबेड वाला, बहुत ही शानदार है, 40-45 नंबर ला सकते हो, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन है। इस सेक्शन में नंबर कम आते हैं, 60 में से 20-25 नंबर मैनेज कर लेते हो, खुश हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन ये प्रिपेयर करना है आपको, छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि हॉरिजेंटली तो कुछ भी नहीं छोड़ना, वर्टिकली थोड़ा कम प्रिपेयर कर लो, लेकिन सिलेबस सारा कवर होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और हिंदी इंग्लिश वगैरह है 120 नंबर की है, 110 सोने की नहीं, 120 नंबर की हिंदी है और 80 नंबर की इंग्लिश है। भाई जो इसमें से 100 नंबर क्रॉस कर गया, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। जिसने 110 को क्रॉस कर लिया, रैंक के अंदर आ जाएगा, 120 कर लिया भाई साहब, टॉप में आ जाएगा। ये ऐसा पेपर है, इसलिए इसको डेली प्रिपेयर करो, इस पेपर को डेली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पेपर को ध्यान रखना आपको, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो 2013 के अंदर वैकेंसीज कितनी थी, लगभग 998, 2016 में कितनी थी, लगभग 725, 2018 में ये आपके काम की 980, लेकिन फिर मेरे हिसाब से लगभग, मेरे को ऐसे दिमाग में आ रहा है कि 37 के आसपास टीएसपी एरियाज वालों के लिए थी, तो वो मैंने ऐड करके 10, इवन 980 के बारे में श्योर हूँ। अब देखो कितने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई करा, 2067, ये आपके पास यानी लगभग डबल को क्वालिफाई करा। ये अलग बात है कि बाद में जो मेरिट है वो नीचे करी, क्योंकि 350 मेरिट गई मेंस की, जनरल की 381 के आसपास गई ओबीसी की, इसलिए इनको कम करा, तो 500-600 बच्चे और आ गए थे, तो उनको ऐड कर लो, लगभग 2600 के आसपास बच्चे इसके अंदर हो गए थे, 2600-2700, तो लगभग 3 गुना हो गए थे, 2.5 गुना 3 गुना हो गए थे। लेकिन यदि देखा जाए 2.5 गुना, लेकिन पहले 2 गुना ही लिया गया था। अब यहाँ पर देखो आप 725 है, और ये आपके पास में लगभग 2.5 गुना के आसपास, 3 गुना के आसपास बच्चे हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ बराबर करी, तो 2.5 से 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं कुछ भी करेंगे, तो 2.5 से 3 टाइम्स के बीच में बच्चे रहते हैं, तो 1000 वैकेंसी है, तो लगभग 2.5 से 3 हजार के बीच में इस बार भी रहेंगे, 2500 से लेके 3 हजार के बीच में आपके मेंस के जो प्री क्वाली मेंस क्वालिफाई करके बच्चे जाएंगे जो कि इंटरव्यू देंगे। तो ये आपके पास में इतनी इतनी वैकेंसीज रही है, इतने इतने मेंस क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कराए और इंटरव्यू के अंदर बैठे, बाकी फाइनली सिलेक्ट तो आपको पता ही है, जितनी वैकेंसी होगी उतना ही होंगे। प्री की कट ऑफ कितनी रही है वो भी मैंने आपको बता दी है, अपनी अपनी कैटेगरी में देख लीजिएगा, मैं आपको ओबीसी और जनरल की बता रहा हूं। 2013 में प्री की कट ऑफ देखो, जनरल की बहुत कम रही थी, 63 रही थी, ओबीसी की कितनी रही थी, उतनी ओबीसी की लगभग बराबर रहेगी या ऊपर जाएगी, नीचे का कोई सवाल नहीं है। बाकी अब फीमेल की देखो 49.42 है आपके पास, देखो एससी की 61.07 है, एसटी के देखो आपके पास में 63 है, ये तो बराबर ही आ गई थी। तो ये देखो आपने कट ऑफ, यानी ये 200 में से है 63, कितने में से, 200 में से, 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास में 200 मार्क्स होते हैं, लगभग 1.33 मान के चलो आप, और 63 यानी आप ये मान के चलो कि लगभग 30% के आसपास में काम हो गया है, हो गया नहीं हो गया, 30% के आसपास होगा ना, 30-31% मेरिट गई है, लगभग 32 पॉइंट समथिंग कह लो, या 33 कह लो भाई, एग्जैक्ट 32 पॉइंट समथिंग है, तो 33% है मेरिट, यानी 1/3 पे काम हो गया था 2013 के अंदर, कितनी कम मेरिट गई थी। अब देखो आप 2016 के अंदर देखो थोड़ी बढ़ गई, लेकिन 40% से ऊपर नहीं जाती है नॉर्मली, 78.54 था। अब देखो ओबीसी की भी लगभग 90 ये ऊपर चली गई थी, फिर इसको बराबर किया गया था, तो लगभग 80 के आसपास मेरिट रहती है। इससे 2018 के अंदर इससे कम रही, 76 पॉइंट समथिंग रही, लेकिन लगभग 80 के आसपास मेरिट जाती है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ देखिएगा किसके कितनी है, तो देखो। और आपके पास आरएस प्री जो है उसकी कट ऑफ 2018 की 76 पॉइंट ये है, और ये 99.3 ओबीसी की, लेकिन ये फिर बाद में बराबर कर दी गई थी, ऊपर नहीं जाती है, बस वो है कि थोड़े दिन मन बहलाने के लिए कर लेते हैं कोर्ट वगैरह के चक्कर के लिए, लेकिन 76 गई थी, तो आपको मैंने बता दिए। अब देखो बाकी कैटेगरीज की आप देखिएगा, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है, मेंस की कट ऑफ देखिए आप 2013 के अंदर 350 है मेंस की कट ऑफ, याद रखिएगा। ओबीसी की ज्यादा चली गई थी, 381 हो गई थी, इसको बराबर किया गया था बाद में, लेकिन ये 350 थी। और आपके पास में देखो 2016 में कितनी कट ऑफ गई सर, 327 गई, वो बराबर रही इन दोनों की, ओबीसी जनरल ये 327 गई।
इस तरीके से ये कट ऑफ रही 327। अब देखो 800 में से 327, 800 में से लगभग कितना परसेंट, 40-42%, 40-42%, 40-42% ये आपको पेपर प्री में मार्क्स लाने और इतने ही मार्क्स आपको मेंस में लाने। और आपको पता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 100% मार्क्स मिलते हैं और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 70% मार्क्स मिलते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 70% मिलते हैं और 10 मार्क्स वाले के अंदर ये मिलते हैं आपको 50% भी मिलते हैं, 60 भी मिलते हैं, कुछों को 70% भी मिलते हैं, कम का तो कोई बात ही नहीं। तो 10 मार्क्स वाले में भी 7 नंबर तक मिलते हैं, 70% मिलते हैं, यहाँ भी आपको 70% 80% तक मार्क्स मिलते हैं, उसके बावजूद मेरिट 40-42 आ रही है। इसका मतलब सारी चीजें किसी को नहीं आती, टॉपर भी 50% पे टॉपर हो जाता है, लगभग 50-52%, 53% ले आओ टॉप कर जाते हो आप, है ना। तो इस तरीके से आप देखो 423 के आसपास पिछली बार टॉपर के मार्क्स थे, तो आप देखो 42-43% है, 43% हो गया एक तरीके से देखा जाए तो 43%, सॉरी 53%, 53% पे टॉपर है और 43 पे सिलेक्शन है, क्या चाहिए इससे ज्यादा क्या होगा। तो इस तरीके की ये कट ऑफ वगैरह रहती है। तो आपको सारी चीजें कितनी कट ऑफ रहती है, प्री की कितनी रहती है, मेंस की कितनी रहती है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करी। अभी पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, अगले महीने से मैं आर्ट एंड कल्चर शुरू करूंगा, आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और प्री और मेंस दोनों के लिए आपको मेडाइगल और एनशेट में आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको माथापोड़ी करनी ही नहीं है, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से करना है। मॉडर्न के अंदर 1857 के बाद वाली चीजों को कवर करिएगा, हिस्ट्री के अंदर जिनको डर लगता है मेरा कोड यूज कर सकते हैं ठोलिया 10, 10% डिस्काउंट के लिए, बहुत ही कम चार्जेस है। जो भी इच्छा रखता है आरएस बनने की उसके लिए कुछ भी नहीं है, 1 ईयर के लिए 6300, लेकिन मैं कहूंगा कि 2 साल के लिए एनरोल करना 7,000 से 560 फॉर 2 ईयर्स है, कुछ भी फीस नहीं है। ठोलिया 10 कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोई दिक्कत हो तो मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत हो तो कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।